लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद गौतम गंभीर के राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने जमकर निशाना साधा। इसी कड़ी में आप मंत्री आतिशी लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि गौतम गंभीर समेत दिल्ली के किसी भी सांसद ने कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने ट्वीट करके कहा है कि वो राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहते हैं और अब आगे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहते। ऊपर से लेके नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि अपने इलाके की जनता में ना तो नजर आता है ना कोई काम करता है। पिछले 5 साल से गौतम गंभीर जी ने अपने इलाके में कोई काम नहीं किया। गौतम गंभीर जी तो क्या, दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो अपने इलाकों से नदारत रहे। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, वहां पे लोकल व्यक्ति को, स्थानीय निवासी को पता होगा कि आम आदमी पार्टी का विधायक कौन है, उनका ऑफिस कहाँ है, उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है। यहां तक कि स्थानीय लोग वहां के विधायक को अपना फोन उठा के कॉल भी कर लेंगे अगर उन्हें पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। लेकिन अगर भाजपा का पार्षद है और भाजपा के सांसद है तो पब्लिक आपको एक सुर में बताएगी कि जी हमने तो 5 साल तक उनको देखा भी नहीं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देती हूं कि वो हमें बताएं कि पिछले 5 साल में उनके किसी भी सांसद ने कोई एक भी काम करके दिखाया हो। तो ये चैलेंज है मेरा भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली में दिल्ली सरकार के अलावा, एमसीडी के अलावा केंद्र सरकार की कुछ जिम्मेदारियां, पुलिस केंद्र सरकार के पास है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है, लैंड केंद्र सरकार के पास है। तो बताएं कि दिल्ली के 7 सांसदों ने केंद्र सरकार के ही जो काम है उसके लिए क्या किया। इन 7 सांसदों ने दिल्ली में पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए क्या किया। इन 7 सांसदों ने दिल्ली को की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए क्या किया। मैं जानना चाहती हूं कि पिछले 5 साल से जब दिल्ली के लोग संघर्ष कर रहे थे तो ये 7 सांसद कहां थे। जब पिछले 5 साल से एक के बाद एक कोई एलजी आके दिल्ली की सरकार के काम रोक रहा है, दिल्ली वालों को सुविधाएं मिलने से रोक रहा है, तो ये 7 सांसद कहां थे। जब देश के संसद में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन लिए गए, जब देश के संसद में दिल्ली वालों के वोट का हक छीन लिया गया, तो ये 7 सांसद कहां थे। जब पिछले साल भर में एक एक करके दिल्ली वालों को परेशान किया जा रहा था, जब अस्पताल की दवाइयां रोकी जा रही थी, जब मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, जब अस्पताल के ओपीडी काउंटर से डेटा एंट्री ऑपरेटर हटाए जा रहे थे, जब जल बोर्ड को पैसे नहीं मिल रहे थे, जब पेंशन रोकी जा रही थी, तब ये सांसद कहां थे। अगर आज तक कोई एक आदमी है जो दिल्ली वालों की हक की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ता है, चाहे सड़कों पर हो, चाहे एमसीडी के हाउस में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे न्यायालय में जाके हो, दिल्ली वालों की हक की लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल लड़ता है और कोई नहीं लड़ता। तो आज मेरा सभी दिल्ली वालों से अपील है कि इस बार दिल्ली से 7 सांसद इंडिया अलायंस के जिता के भेजें, जो दिल्ली वालों की आवाज संसद में उठा सकें, जो दिल्ली वालों के लिए एक सुरक्षा कवच बन के खड़े हो सकें, जो दिल्ली वालों के अधिकार की लड़ाई, दिल्ली वालों की हक की लड़ाई संसद में उठा सकें। राष्ट्र सर्वप्रथम।